सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई कैसे हो आप सभी, तो को न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ भाई आप सभी के लिए। और इस आर्टिस्ट को आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी सुन रखा होगा और भाई काफ़ी प्यारे प्यारे ट्रैक्स दे चुका है भाई यार। ये भाई आर्टिस्ट का नाम होने वाला है शेडो और भाई इसका न्यू ट्रैक ड्रॉप हुआ है और इस गाने का नाम है हालात। एंड भाई लेट्स सी, जैसे कि हमें पता लग रहा है गाने का नाम हालात है तो कुछ हमें थोड़ा डिप्रेशन टाइप, मोटिवेशन टाइप, कुछ टाइप ऑफ सॉन्ग देखने को मिल सकता है। अब बाकी सुन के पता लगेगा भाई कैसी वाइब और क्या चीज़ हमें सुनने को मिलेगी, क्या चीज़ नहीं। और भाई मतलब मज़ा आने वाला है। और मतलब न्यू ड्रॉप नहीं हुआ, काफ़ी टाइम पुराना गाना है, वैसे 7 महीने पुराना, लेकिन स्टिल भाई स्टिल अच्छा लगेगा तो हम रिएक्शन करेंगे, चाहे पुराना हो चाहे जो भी हो, ठीक है। क्योंकि भाई नए गानों पर ऑलरेडी तो हम रिएक्शन कर ही चुके हैं। सो भाई फालतू बातें नहीं कहते भाई, जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ आर्टिस्ट को ज़रूर सुनना सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज़। और गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि इस आर्टिस्ट पे मेरे को ट्रस्ट है, ठीक है। म्यूजिक बहुत सही बनाता है बंदा। सो भाई फालतू बातें नहीं कहते, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। और ये भाई का रिसेंटली मुफासा के साथ कोलैब आया था तो हमने उसका रिएक्शन वीडियो किया था, जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो भाई। मैं बैठा था अंधेरे कोने में, आदर नहीं लगती फिर रोने में, आ ठंडी सी चल रही हवाए जो और भीगी सी मेरी निगाहें वो, आ यादों में खोया मैं था उस वक्त, अश्कों में बह गया लौंडा सक, अब तो रोता नहीं अश्कों में, हाँ खुद में ही खोता नहीं हूँ मैं, पर हालत जब बदतर से बदतर हो, हाँ टूटेगा सख से सख पत्थर ब्रो, अब मांगू खुदा से दुआओं में, हाँ थोड़ी सी खुशियाँ दिला भी दो, आमो तो बैठी जब आसम है कि कब आऊँ मैं उसके पास में, हाँ हेल से इस हेवन के सफर में, अनगिनत जिस्म पे जख्म ये हाला जब बदतर से बदतर हो, हाँ टूटेगा ये जो पार्ट है ना इस आर्टिस्ट का, ये क्रेजी लगता है। लाइक थोड़ा सा सिंगिंग एलिमेंट और मतलब थोड़ी सी मतलब वर्सैलिटी दिखा देता है बंदा अपना, सुनना। जिस्म पे जख्म ये हाला जब बदतर से बदतर हो, हाँ टूटेगा सबसे सब पत्थर ब्रो, और रूठेगा हर एक शख्स वो जो आया है सूरज से तब कर ब्रो। लाइन देख रहे हो कितनी प्यारी, हर एक शख्स वो जो आया है सूरज से तब के ब्रो, जब पत्थर से पत्थर हो, हाँ टूटेगा सबसे सब पत्थर ब्रो, और रूठेगा हर एक शख्स वो जो आया है सूरज से तब कर ब्रो। कड़के बिजली या मौसम बरसात का कोई साथ नहीं, खाली एक रास्ता, रास्ते में पता आंखें बंद करके क्यों सुनो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना सूथिंग वॉइस लग रही है, मेलेडी सी मिल रही है हमें, बीट थोड़ी सी हमें डिफरेंट मिल रही है, मतलब काफ़ी अलग टाइप लग रही है सुनने में, लेकिन भाई एक सूथिंग वॉइस हमें जो है भाई वो साउंड कर रही है, मतलब एकदम थोड़ा रिलैक्सिंग, लाइक वो नहीं जैसे कानों में चुभ रही हो। सो आगे बढ़ते भाई। मैं और मेरी तन्हाई जिससे मेरा पुराना है वास्ता, कड़के बिजली या मौसम बरसात का कोई साथ नहीं, खाली एक रास्ता, रास्ते में मैं और मेरी तन्हाई जिससे मेरा पुराना है वास्ता, बीच रास्ते मौत मिली मुझको, कहती मुझको भी साथ में रख लो, साथ निभाऊंगी आखिरी दम तक, कहने लगी वो प्यार से मुझको, बीच रास्ते मौत मिली मुझको, कहती मुझको भी साथ में रख लो, साथ निभाऊंगी आखिरी दम तक, कहने लगी वो प्यार से मुझको, मुझको लगा मैं अकेला था पर साथ दर्दों का काफिला था, ये वाली लाइन भाई था, कहने लगी वो प्यार मुझको, मुझको लगा मैं अकेला था पर साथ दर्दों का काफिला था, खुशियाँ खपा थी उस वक्त मुझसे जिस समय मैं अकेला था, मुझको लगा मैं अकेला था पर साथ दर्दों का काफिला था, खुशियाँ खपा थी उस वक्त मुझसे जिस समय मैं अकेला था, हाला जब बदतर से बदतर हो, हाँ टूटेगा सबसे सब पत्थर ब्रो, और रूठेगा हर एक शख्स वो जो आया है सूरज से तब कर ब्रो, हाला जब बदतर से बदतर हो, हाँ टूटेगा सबसे सब पत्थर ब्रो, और रूठेगा हर एक शख्स वो जो आया है सूरज से तब कर ब्रो। ओके, तो भाई अपना ट्रैक होता ख़त्म। एंड भाई ये ट्रैक भाई ने 7 महीने पहले बनाया था और उसके बाद से इस टाइम में तुम्हें पता है भाई आर्टिस्ट में कितना चेंज आ जाता है, आर्टिस्ट कितना ज़्यादा कुछ सीख जाता है अपनी स्किल्स के मामले में,
ठीक है, और स्टिल भाई ये गाना इतना ज़्यादा सही साउंड कर रहा है, और अगर तुम सोचो अगर अभी के गाने जाके सुनोगे तो वो कितने अच्छे साउंड कर रहे होंगे, तो भाई गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई, चैनल पे विजिट करना भाई के, भाई बहुत प्यारे प्यारे ड्रॉप्स कर रखे, क्योंकि बंदे के पास ना वाइब है, म्यूज़िक से खेलना बंदा अच्छे तरीके से जानता है कि मेलेडी कैसे बनाते हैं, रिदम कैसे बनाते हैं, वही आर्टिस्ट बखूबी जानता है, तो भाई इसलिए इस आर्टिस्ट को सुनना ज़रूरी है। पता नहीं आर्टिस्ट कब ज़्यादा बूम कर जाए, ठीक है, हमें किसी भी आर्टिस्ट का इवेंट नहीं पता कि कब कौन सा आर्टिस्ट बूम कर जाए, इसलिए भाई बस मेहनत करते रहो, अगर कोई भी आर्टिस्ट से वीडियो देख रहा है तो भाई बस मेहनत करते रहो, गाने बनाते रहो, फिक्र मत करो यार व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि व्यूज़ डज नॉट मैटर भाई, व्यूज़ डज नॉट मैटर, अगर तुम्हारे आर्ट में दम है तो तुम्हें खुद व्यूज़ झक मार कर आएंगे, ठीक है। एंड या भाई बाकी इस वीडियो को करते हैं पे, एंड आर्टिस्ट को जाके जरूर सुनना भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, बाकी आप देख लेना, और वीडियो कैसे लगी कमेंट से बता देना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, बाकी इस वीडियो के लिए तैयार, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।